बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ अब्दुल मुनीब एंड वेलकम टू वेवर ट्यूटर स्मार्ट लर्निंग सिस्टम। आपका जो कल का टॉपिक था उसे हम आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या हमने आज जो है वो इसको इसकी डिपेंडेंस को देखना है। ठीक है, कल हमने प्रीफिक्सेस तक जो है वो कर लिया था काम। आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर और जो आपकी ये बेस क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी भी हमने कर लिया था। ठीक है, और बेस यूनिट ड्राइव यूनिट भी हमने कर लिया था। ठीक है, और उसके साथ हमने प्रीफिक्सेस भी कर ली थी। ठीक है, एग्जांपल प्रीफिक्सेस की भी हमने कर ली थी। ठीक है, और जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं उनको हमने जो है वो देखना था। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। ओके, सो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो क्या है? साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। वे ऑफ राइटिंग है वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर की। इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, इनको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख सकते हैं। व्हेन अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज मल्टीपल बाय अ पावर ऑफ 10। जब 1 या 10 मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10 में हम इसको लिखते हैं तो वो साइंटिफिक नोटेशन को इस तरह लिखा जाता है, 6 × 5 × 10 × 10^8। सो साइंटिफिक नोटेशन इज यूजफुल बिकॉज इट अलाउ अस टू राइट एंड रिमेंबर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। हम वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर को हम जो है वो हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स में हमारे पास जैसे कि है, हमारे पास छोटा एक नंबर था 700, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख दिया 7 × 10^2। तो ये हमें फायदा इस चीज का ये है कि हम 7 × 10^2 हम लिखने का फायदा ये है कि एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी थी तो उसको हमने एक स्मॉल क्वांटिटी में उसको मल्टीपल फॉर्म में हमने उसकी पावर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, जैसे कि एक ऊपर वाली एग्जाम्पल में एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो हमने 6.5 × 10^8, ठीक है, 6 65 करोड़ समथिंग इस तरह की जो है वो हमारे पास, अगर हम वैल्यू अगर इसकी देखें तो 6500000, तो इसको एक लिखना है बहुत बड़ा, एक मींस के एक टाइम कंज्यूमिंग और यूं समझेंगे एक लेंथी काम था। तो उसको हमने कंपलसेट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन हमने जो है वो यूज की, तो वो साइंटिफिक नोटेशन 7 × 10^2। सो अदर जो हमारे पास दूसरी जो हमारे पास एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है 4900000000, तो उसको हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में जो जब लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं जो है वो इस तरह से 4 × 10^9। सो इस तरह हमें जो है वो इसकी क्वांटिटी है उसको हमारे जो हमें पता चलता है कि हम इनको जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं इस बहुत बड़ी क्वांटिटी को। ठीक है, सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आएंगे आज। हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, वॉल्यूम, टाइम। सो हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन है उनकी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं उन साइंटिफिक नोटेशन की। हम उनको साइंटिफिक नोटेशन से एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो हम मेयर करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है 20 मीटर पर सेकेंड मीन्स 200 × 10^3 मीटर पर सेकेंड मीन्स कि 200 किलोमीटर पर सेकेंड। सो ये किसी गाड़ी की रफ्तार हो सकती है, किसी एरोप्लेन की रफ्तार हो सकती है, मीन्स कि ये हमारे पास जो मीटर पर सेकेंड में आती है ये स्पीड आती है, ये वेलोसिटी आती है। ठीक है, और किलोवाट में हमारे पास जो है वो पावर आ रही है, मेगावाट में हमारे पास जो है वो क्या आ रही है, पावर आ रही है। सो दैट इज द, आप अगर देख सकते हैं तो ये 10^3 जो है ये हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन है। हमने जो नोटेशन यूज की है वो है, और जो हमारे पास इस 10^3 को कन्वर्ट किया है वो किया है किलो में, तो हमारे पास 200 किलोमीटर पर सेकेंड, 200 किलोमीटर
किलोमीटर पर सेकंड में हमारे पास जो है वो आ रही है। तो इसी तरह 48000 वाट, तो इसको हमने 4800 वाट 10^3 को किलो वाट में, और फर्दर अगर हम इसको मजीद जो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनती है 4.8 × 10^6 वाट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 6 है ये मेगा है। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि हमें प्रीफिक्सेस जो है उनको हमने देखना है, प्रीफिक्सेस को हमने डिटेल से जो है वो पढ़ना है, प्रीफिक्सेस का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने डिटेल से करना है, अदरवाइज हम जो है वो इन न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उनको उनसे हम जो है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, सो इसी तरह हमारे पास है 0.4402 ग्राम 0.02 × 10^-3, और ये हमारे पास क्योंकि अब पहले हमने जो है वो प्लस वाली प्रीफिक्सेस को यूज किया और साइंटिफिक नोटेशन को, अब हम यही बेसिकली ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन है, कोई बॉडी है जिसका वेट है ग्राम में, ठीक है, उसको हम जो है वो 20 × 10^-6 ग्राम लिख सकते हैं। तो -6 इज अ माइक्रोग्राम। ठीक है, तो इसी तरह की आज हम कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे, हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो बोर्ड है, लेट्स सपोज कि हम पेन से लिखना मैं अगर शुरू करूं, 21 नहीं सॉरी पेन इज नॉट अप्लायबल हेयर, सो रेजर रेज माय वाइट बोर्ड, आई यूज द टेक्स्ट, ओके टेक्स्ट मैं यूज करूंगा और टेक्स्ट में यहाँ पे यूज करूंगा, जस्ट के मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो जो क्वांटिटी है वो आ रही है मेरे पास 200000। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 है, या आप स्पीड ऑफ लाइट ले लें। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास होती है 3000000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी ऑफ, इट इज द वेलोसिटी ऑफ, इट इज या इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, सो स्पीड सॉरी टू से स्पीड ऑफ लाइट, ये मेरे पास जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अब इतनी बड़ी वैल्यू को हमें लिखना जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन और का सहारा लिया और इसमें हमने प्रीफिक्सेस को यूज किया। ठीक है, जैसे कि अब हम स्पीड ऑफ लाइट जो है जो कॉमनली हम कहते हैं सी, सी किसके इक्वल होता है, सी इज इक्वल टू 3 × 10^8। ठीक है, सो 10^8 लिखना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि 3000000 मीटर पर सेकेंड हम लिखें। सो इसलिए हमने ये साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली जो यूज करने का जो मकसद था वो ये था कि हम इनको जो है वो प्रॉपरली हम इसको जो है वो चेक एंड बैलेंस करें। ठीक है, प्रॉपरली हम इसको जो है वो इनको इनका फीडबैक लें, प्रॉपरली हम इनको जो है वो इनकी नोटेशंस को हम देखें और हम इनको विजुलाइज करें कि हम किस तरह स्मार्ट से स्मार्ट जो है वो वैल्यूज जो है बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े हमारे पास डिजिट्स आते थे, बड़ी बड़ी हमारे पास वैल्यू आती थी, उनको हम स्मार्ट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके जी, सो हम अब कोई एक नया नंबर ले लेते हैं जो कि हम पॉइंट्स में लेते हैं। हमारे पास जो नया एक हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन हो गई, हम उसको हम यूज करेंगे। जैसा कि मेरे पास मैं कहता हूँ कि 0.000234। ठीक है, तो ये मेरे पास जो आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं 2.34, ठीक है,
और आगे मैं लेट्स सपोज कि ये था, ये भी वैल्यू थी जी में, ग्राम में थी, ठीक है। तो 2.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर हमारे पास क्या आ जाएगी। आप जरा देखें, हमने इस पॉइंट को शिफ्ट किया टूवर्ड्स राइट। जब हम पॉइंट को टूवर्ड राइट शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास जो 10 रेज की पावर आती है वो आती है माइनस में, ठीक है। वो किस में आती है? माइनस में आती है। सो 10 रेज पावर माइनस हमारे पास आ जाएगी 6, ठीक है। अब 10 रेज पावर माइनस 6 क्या होती है? आपको पता है कि माइक्रो होती है, तो इसको मैं यू लिख सकता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन भी साथ यूज होगी और साथ हमारा प्रीफिक्स यूज हो जाएगा माइक्रो, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.34 माइक्रो। माइक्रो के लिए मुझे जो है वो टूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो जर्नल टूल जो है उसमें माइक्रो दिया हुआ है। ये मेरे पास माइक्रो आ गया। और आगे क्या आ गया है? माइक्रो क्या होता है? 10 रेज पावर माइनस 6, और साथ क्या है उसका यूनिट क्या है? ग्राम। तो मैं जी लिख दूंगा। तो 2.34 माइक्रोग्राम इज द वेरी सिग्निफिकेंट, और इसको लिखना बहुत ही आसान है। तो इसलिए हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस को मर्ज करके हम जो है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारा जो है वो एक मेन थीम था। ये हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी उसको हम जो है वो हाईलाइट हमने किया, और उसको हमने जो है वो नॉमिनेट किया। हमने ये बताया कि हमारे पास जो सिस्टम है, जो पड़ा हुआ है, जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज को डिनोट करता है, वो साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। और साइंटिफिक नोटेशन को कैसे बनाया जाता है वो आज मैंने आपको सिखाया। हम दोबारा जरा स्लाइड की तरफ वापस जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यूज आई हैं। हम एक और वैल्यू उसने कंसिडर किया है यहाँ पे, 0 पॉइंट, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यूज को उसने कंसीडर किया है। हमने पहले ये वैल्यू हमने देखी है, फिर हम इस वैल्यू को देख रहे हैं, फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये वाली, और फिर अब हम इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास जो है, जैसा कि 0.000008 1, सो ये जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू में हमारे पास बहुत लॉन्ग वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि पॉइंट को 6 डिजिट आगे ले गया, तो ये मेरा बन गया 0.00081 × 10⁻⁶ × 10⁻⁶। अब मैं जरा कलर जो है वो चेंज करने लगा हूँ। ये इस वैल्यूज को जो है वो हमने अब कंसीडर करना है। इस वैल्यू को क्या करना है? कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब मैं कंसीडर करूंगा, तो ये मेरे पास जो 10⁻⁶ है, ये 10⁻⁶ है, ये चेंज हो जाएगी। अब ये जो न्यू वैल्यू आई है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को उठा के जब मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, ये वाला पॉइंट जो मैंने लगाया है, इस पॉइंट को यहाँ पे लेकर आऊंगा, तो ये वैल्यू मेरी बन जाएगी 8.8.1 × 10⁻⁹। और -9 जो है वो क्या होती है? -9 इज अ प्रीफिक्स, ठीक है। सो इस तरह जो ये जो प्रीफिक्स है वो क्या है हमारे पास? है नैनो, ठीक है। तो इसको मैं कलर्ड किया है थोड़ा सा, 8.1 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर हमारे पास जो है वो एक, देखें हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू थी, उस वैल्यू को हमने पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। उस साइंटिफिक नोटेशन का हमें फायदा यह हुआ कि ये वाली जो हमारी साइंटिफिक नोटेशन है, ये हमें ये बताती है कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई, जैसे 0.0081 × 10⁻⁶। अब दोबारा जब मैंने उस पॉइंट को आगे लेकर गया फ्रॉम टू वर्ड राइट, और एक बात याद रखनी है कि जब हम पॉइंट को टू वर्ड राइट लेकर जाते हैं, तो हमारे पास जो जो हमारे टेन रेज की पावर बनती है, जो हमारे पास प्रीफिक्स बन रहा होता है या उसकी पावर बन रही होती है, वो माइनस में इंक्लूड होती है। और जब हम पॉइंट को टू वर्ड लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, टू वर्ड लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा हमारा जो ये पावर वाला सिस्टम है, ये प्लस में एडिशन करता है,
यानी कि 10^+6, 10^+9, 10^+3, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो प्रीफिक्सेस आएंगे वो किलो आएंगे, मेगा आएगा, गेगा आएगा, ठीक है। और इस टाइम में जो हमारे पास जब हम नेगेटिव की तरफ देखते हैं यानी कि लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो हमारे पास जो है वो माइनस में आएंगे जो प्रीफिक्सेस हैं, वो हमारे पास माइक्रो आएगा, मिली आएगा, डेसी आएगा, नैनो आएगा, फेमटो आएगा, ठीक है, पिको आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास जो है वो प्रीफिक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये टिल एंड जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, जब आप जो है वो इवन के आप PhD तक चले जाते हैं तो तब भी इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम वैल्यूज को कंसीडर कर रहे होते हैं लेबॉरेटरी में, हम जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं तो हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं, हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं, और हमारे जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो भी प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन को देख कर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने ये बारह याद रखना है तकरीबन, हमने हर हर इस पूरे जो चैप्टर में उसमें जो मेन जो थीम है वो प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको हमने मिस नहीं करना है, इसको हमने जो है वो बड़े एक्यूरेट तरीके से, बड़े सेंसिबल तरीके से हमने इसको जो है वो प्रमोट करना है, इसको जो है वो अपने जो माइंड है उनमें सेट करना है, और इसके नोट्स को अपने जो है वो नोटबुक में नोट करना है, और इसके बाद हमने इनको जो है वो एक अच्छे तरीके से हमने जो है उसको प्रेजेंटेबल बनाना है, जिस तरह मैंने एक स्लाइड बनाई है, इसी तरह आप घर में बैठ के उसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ उसको जो है वो आपने जो है वो अभी मैं पोल भी करूंगा और उसके बाद टेस्ट भी आपका होगा, तो उसमें हमने इनको जो है वो प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की। तो बेसिकली ये मैथमेटिकल टर्म्स जो होती हैं ये प्रैक्टिस से आती हैं, तो हमने जो है उनको प्रैक्टिस से हमने इनको जो है वो डील करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं देखता हूँ हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की, साइंटिफिक नोटेशन को दोबारा हम देख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग में जब हमारे पास आते हैं, इट इज अ वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर, बड़े लार्ज नंबर को या बड़े स्मॉल नंबर को हम जो है वो एलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बड़े लार्ज नंबर जो है, बहुत लार्ज नंबर या बहुत ही स्मॉल नंबर जो है, ठीक है। सो इसमें मैं यहाँ पे मेन मेन चीजों को मैं जो है वो एरो हेड लगा रहा हूँ आज, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरी स्लाइड आपके पास चली जाती है बट जो हमने पढ़ा होता है वो हमने हमें जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन है, इज अ वे ऑफ राइटिंग अ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर, अ नंबर इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन व्हेन अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 10, फॉर एग्जाम्पल 6500000 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन हैज 6.5×10^8। तो 6.5×10^8 जो है वो उसको हम जो है वो डिनोट करता है हमारा जो नंबर है, ठीक है। और इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन इज यूजफुल बिकॉज इट अलाउ अस टू राइट एंड रिमेंबर अस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर, ये हमारे पास वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर को लिखने के लिए कारामद है, मुफीद है बड़ा ही, और इसको हम याद रखने के लिए, रिमेंबर्स वेरी मेंबर्स का मतलब होता है याद रखना, तो हमें याद रखने के लिए, याद दहानी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो ये हमें बताता है कि हमने बहुत बड़ी वैल्यूज को या बहुत छोटी वैल्यूज को हमने किस तरह जो है वो एलेबोरेट करना है, किस तरह हमने उनको लिखना है, ठीक है। तो हम दोबारा व्हाइट बोर्ड की तरफ देख चलते हैं, हम जरा देखते हैं कि हमने वैल्यूज को किस तरह जो है वो एलेबोरेट किया है। हम जरा इसको मैं देखता हूँ कि ये देखें स्पीड ऑफ लाइट है, तो सी को हमने जो है वो हाईलाइट किया है, हाईलाइटर इज नॉट हेयर, हाईलाइटर इज हेयर, दिस इज प्रॉपर हाईलाइटर, फर्स्ट वी अरेज, सारे अरेज हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो जब मैं इसको यूज करूंगा हाइलाइटर को, तो बेसिकली हम इसको यूज कर रहे हैं, ये दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। सो प्रॉपर नॉट वर्किंग, ये जो है वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो आई रेज योर टोटल,
ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूँ स्पीड ऑफ लाइट, और फिर मैं उसको जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, सो आई थिंक इसको रिमूव होना चाहिए, इस टूल को। ओके जी, तो जब टेक्स्ट की तरफ जाता हूँ मैं, तो मैं दोबारा लिखता हूँ 3000, सॉरी इसका कलर भी हाइलाइटर का ही तरह का आ गया है, कलर हमारे पास दैट इज द बेस्ट कलर 3। ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको हम जो है वो प्रॉपर लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 8। सो दिस इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। सो दिस इज इक्वल टू सी, जो कि हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये हम जो है एक्सपेरिमेंटल तरीके से हम जो है वो इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक साइंटिफिक नोटेशन है। इसी तरह डिफरेंट वैल्यू है, जैसे कि हमारे पास आता है 2000 मीटर, इसको किलोग्राम लिख लेते हैं। ये हमारे पास कोई बॉडी है, उसका वेट है। ठीक है, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो ये मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, कितने हैं जी, 9 प्लस 9 है। ठीक है, तो +9 का जो है यहाँ पे मैं फ्री प्रीफिक्स लूंगा। अब देखें हमारे पास प्रीफिक्सेस जो है, अगर हम प्रीवियस लोकेशन पे जाएं, अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं, हमारे जो प्रीफिक्सेस की स्लाइड है, हमारी जो प्रीफिक्सेस की स्लाइड है ये, अगर अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 10^9 क्या है हमारे पास, गीगा। 10^9 क्या है, गीगा। और 10^8 हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने उसको एवेल्युएट करना है, इस तरह एवेल्युएट करना है कि 10^ या तो 9 बने या 10^6 बने या उससे नीचे जाए, यानी कि इन प्रीफिक्सेस में ही, ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनमें ही हमने उसको चेक करना है। ठीक है, इन प्रीफिक्सेस में हमने उसको चेक करना है। ऑल राइट, सो हमने देखना है कि जो हमारी प्रीफिक्सेस हैं वो किस तरह जो है वो काम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो अभी हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखा था वो हमारे पास आ रहा है 10^9, इसका मतलब है गीगा आ रहा है। तो हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर जाएंगे, हम इसको इज इक्वल करेंगे। ठीक है, इक्वल करने के बाद हम कहेंगे अगर ये ग्राम में वैल्यू, किलोग्राम में वैल्यू थी, तो हम केजी में वैल्यू जो थी हमारे पास उसको हम लिखेंगे 2 2 गीगा केजी। ठीक है, सो गीगा इज आपको मैंने बताया है इस स्लाइड से कि जो हमारे पास गीगा है वो हमारे पास जो है वो 10^9 है। तो इस तरह हमने प्रीफिक्स भी यूज कर लिया है, और साथ में हमने क्या यूज कर लिया है, साथ में हमने उसकी जो है वो साइंटिफिक नोटेशन भी यूज कर ली है। तो साइंटिफिक नोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो टिल एंड द फिजिक्स जहां तक भी जाती है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल इसका करते हैं, तो आपको वैल्यूज आती हैं, आप जो जो भी वैल्यू आपके पास आती है तो वो प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखी जाती है। और मोस्टली हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि उसको एक तमाम थ्रू आउट द ग्लोब, यानी कि पूरी दुनिया में उसको एक ही तरीकाकार से लिखा जाए। ठीक है, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट वे से आपने इसको याद रखना है। ठीक है, तो मीनिंग इंस्ट्रूमेंट इंशाल्लाह हम जो कल डिस्कस करेंगे, तो मीनिंग इंस्ट्रूमेंट से पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ। मीनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, दैट्स इंस्ट्रूमेंट विद मेजर द फिजिकल क्वांटिटी लाइक मास, लेंथ, वेट,
तो इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं डायामीटर्स फाइंड करने के लिए, तो ऐसी हम मेजरिंग टूल हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उन टूल्स को जो है वो कल हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं अभी आपको जो है वो एक एमसीक्यूज, एक पोल जो है वो जनरेट कर रहा हूँ, तो उसका आपने आंसर देना है। बेसिकली पोल जो है वो जनरेट करने है, पोल जो मैं जनरेट कर रहा हूँ, जो मैं एमसीक्यू जनरेट कर रहा हूँ, वो आज के लेक्चर के मुताबिक है। तो आई होप कि आप लोग उसका आंसर देंगे। ठीक है, सो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन इसको जो है वो हल करेगा। आई एम श्योर कि इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। पुट द प्रीफिक्स ऑफ 10^3 एस। तो ये पोल मैंने किया है कि पोल मेरे पास जो है वो रिजल्ट आए कि कौन कौन बच्चा जो है वो इसको अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं एंड कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं एक और पोल जनरेट करूंगा, तब हम इन प्रीफिक्सेस को दोबारा से हैंडल कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रीफिक्सेस में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये इस लिहाज से नहीं इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ हमने याद करने, इनको हमने यूज करना है। ठीक, इनको न्यूमेरिकल में यूज करना है, हमारी जो एक्सरसाइज आएगी उसमें हमने इसको यूज करना है। और जो साइंटिफिक नोटेशन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हमें जो है वो एक बड़ी लार्ज वैल्यू को हमारे स्मॉल वैल्यू में जो है वो क्या करती है, कन्वर्ट करके दिखाती है। तो हमने लार्ज वैल्यूज को स्मॉल वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, और स्मॉल वैल्यूज को कन्वर्ट करने के बाद हमने उसकी पावर को लिखना है, और उनकी पावर को हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो उसको उनकी उनको प्रीफिक्सेस में लिखना है। अब 10^2 जो है इसको हमने इसका प्रीफिक्स लिखना है, और 10^9 जो है इसका प्रीफिक्स लिखना है। तो मैं एक और पोल जनरेट करने लगा हूँ, तो उसमें मैं आपसे यही प्रीफिक्सेस के बारे में ही पूछूंगा, तो उसको भी आपने जो है वो आंसर देना है। ठीक है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास पोल जनरेटर, पोल न्यू पोल, इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। द प्रीफिक्स ऑफ 10^2 इज हेक्टा, एक एच ऑप्शन है, और एक आपके पास किलो के ऑप्शन है। तो आपने इसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने आंसर देना है। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल मीट दिस, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो है वो मेरिंग इंस्ट्रूमेंट को जो है वो डिस्कस करेंगे कल के चैप्टर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह टुमारो मिलते हैं।